नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने धोरण 4 टपका का डर एना एकमनी गई खेरा विस्तृत चर्चा करी, एनु भाषांतर कर्यु। हवे आजे आपणे एना स्वाध्यायनी चर्चा करीशुं, जे तमारे तमारी वर्कबुकने पास राखवानी छे अने एनी नोंध करवानी छे। प्रथम अभ्यास अने त्यारबाद आपणे एना स्वाध्यायनी चर्चा करीशुं। अभ्यास का प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे आपका प्रश्नों का जवाब आप। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं? तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं? तो गांव का मतलब है बदल प्रकार ना घर हो चाहिए। तो इन्हें जवाब आपने लिखी सुन कि हमारे गांव में कच्ची मिट्टी के बने हुए घर, घास फूस से बनी हुई उसकी छत या छप्पर और पक्के सीमेंट कोकिंग से बने हुए भी घर है, जिसकी छत पक्की सीमेंट से बनाई गई है और कभी कभी छत में पत्थरों का भी उपयोग होता है। इस प्रकार के मकान होते हैं। नंबर 2, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? तो मित्रों, हमारा घर जो भी चीजों से बना है, या पक्की छत है उसकी तो सीमेंट से, लोहे से बनी हुई, अर्थात जो कच्ची उसकी छत है मिट्टी का बना हुआ है तो वही लिखना है कि छपरे है मिट्टी के बने हुए और घास फूस से बने हुए जो उसकी छत है, जो भी है वो हमें उसका आंसर लिखना है। छप्पर किन किन चीजों से बनता है? छप्पर है छत, छप्पर किन किन चीजों से बनता है? तो छप्पर जो नलिए हम बोलते हैं गुजराती में, जो छप्पर आते हैं घास फूस से बनता है, लकड़ी का भी उपयोग होता है, और जो पक्की छत है उसमें सीमेंट लोहे आदि का उपयोग करके या पत्थरों का उपयोग करके पक्की छत बनाई जाती है। नंबर 4, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में चारों ओर बादल छा जाते हैं और बादलों में से पानी टपकने लगता है, बिजली कड़कती है, मेघ गर्जना होती है, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। नंबर 5, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हैं? तो ओले पड़ने पर हम लोग किसी बड़े वृक्ष का सहारा लेते हैं अथवा तो किसी छत का सहारा लेते हैं। हम हमारा जो घर होता है तो उसमें चले जाते हैं क्योंकि ओलों की मार हमें लगती है। नंबर 6, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले पड़ने पर जो हम बाहर होते हैं तो हमें वो ओले लगते हैं या फिर हमारी जो कच्ची छत है तो टूट जाती है। नंबर 7, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो चूल्हा इलेक्ट्रॉनिक होता है, गैस का चूल्हा होता है, लाइट से चलने वाला चूल्हा भी होता है, जो एक कोठी का आकार का भी चूल्हा होता है और जिसमें घास में टाटी का भी उपयोग होता है और इस प्रकार से चूल्हा जलता है, और एक कच्चा मिट्टी का बना हुआ चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी वगैरह ईंधन का उपयोग होता है, और ऐसे ऐसे नलाकार चूल्हा होता है जो मिट्टी का बना हुआ होता है या सीमेंट का भी बनाया हुआ होता है, पत्थर का बना हुआ चूल्हा होता है। इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर बिजली से चलने वाला चूल्हा होता है। ऐसे कई प्रकार के चूल्हे आज मिलते हैं। इसमें से तुमने जो भी चूल्हे देखे हो उनका वर्णन विस्तृत करना है। नंबर 8,
जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? तो बाघ, शेर, चीता, लोमड़ी, गिद्ध, खरगोश, नेवले, सांप आदि कई प्रकार के प्राणी रहते हैं। नंबर 9, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी? बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही? बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी क्योंकि उसकी झोपड़ी या मकान था, उसकी छत थी वो घास फूस से बनी हुई, छपरे की बनी हुई थी, कच्ची छत थी, उसमें से पानी टपक रहा था और पानी टपकने के कारण बुढ़िया चावल ठीक से पका नहीं पा रही थी, इसलिए बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी। नंबर 10, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? बुढ़िया अपनी झोपड़ी में कहती थी कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। तो बाघ ने सोचा, यह बात बाघ ने सुनी और बाघ ने सोचा कि शायद टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा और इस अनजान भय से डर कर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न नंबर 2, जंगल में और क्या क्या बिक रहा होगा? जंगल में बरसात के कारण और क्या क्या बिक रहा होगा? जंगल में जो सारे पशु पक्षी है वह बिक रहे होंगे, जंगल में रहने वाले लोग बिक रहे होंगे, जंगल के जो पेड़ पौधे आदि जो चीजें हैं वहां सब कुछ बिक रहा होगा। अब है स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? जन आंसर हो यह बोल मालो कुछ। बुढ़िया कहाँ रहती थी? जन आंसर जन उत्तर से बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। प्रश्न नंबर 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो उसका आंसर उत्तर है, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा। नंबर 3, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा।
पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज कैसी थी? तो उसका उत्तर है पानी टपकने की आवाज टप टप थी। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? तो उसका आंसर है उत्तर है बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता